ये देखिए हमारा पत्थरचट्टा का पौधा है, इसमें फूल खिलते हैं। हमारे पास दो तरह के पत्थरचट्टा हैं, एक में फूल नहीं खिलते और एक में फूल खिलते हैं। तो देखिए बहुत ही छोटे से पॉट में लगे हुए हैं, देखिए बिल्कुल छोटा सा में लगा हुआ है। और इसके पत्तों में देखिए इस तरह के पौधे बन जाते हैं, ये देखिए अपने आप ही पौधे बनते रहते हैं। जहाँ नीचे से टच होता है या टच नहीं भी हो रहा है तो इस तरह से देखिए इसके जितने भी ये हैं, देखिए जहाँ 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 पे कट बना हुआ है वहाँ पे अपने आप ही पौधे इस तरह से निकल रहे हैं। यदि आप इसको लेकर के कहीं लगा देंगे तो बहुत ही आराम से लग जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मेंटेनेंस ये पौधे नहीं खोजते हैं, बहुत ही आसानी से लग जाते हैं और अपने आप ही सर्वाइव करते रहते हैं। ये सर्दी के मौसम में ही खिलते हैं, गर्मियों में नहीं खिलते, साल में एक बार ही खिलते हैं ये पौधे में फूल। ये दूसरा वाला पत्थरचट्टा है, इसमें फूल अभी तक तो कभी नहीं खिला हमारे यहाँ। वो वाला में तो कई बार खिल गए पर इसमें नहीं खिलते हैं। और ये वाली जो है ये किडनी की पथरी में खाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, जिसको स्टोन वगैरह हो जाता है किडनी में। तो ये वाली में कभी फूल नहीं खिलते, ये वाले देखिए इसमें लगे हुए हैं, कई सारे पौधे इसमें से निकल जाते हैं ये देखिए। और इसके भी पत्तों में इस तरह से ऐसे तो नहीं होते जैसे उसमें पौधे बन रहे थे, लेकिन इसके पत्ते यदि तोड़ कर गमले के ऊपर रख देंगे तो उसमें से जैसे यहाँ पर कट कट का निशान बना हुआ है उनमें से सारे पौधे निकल आते हैं। तो इनके पौधे, पत्थरचट्टा का पौधा लगाना बहुत ही मुश्किल नहीं होता है, बहुत आसानी से पौधे इसके उग जाते हैं। ये औषधीय पौधा है और इसको यदि सुबह में खाते हैं तो अलग स्वाद आएगा, दोपहर में खाते हैं तो अलग स्वाद आएगा और शाम को खाएंगे तो अलग, तीनों बार आप खाएंगे तो अलग अलग टेस्ट आएगा इस पौधे पत्ते का। ये कमाल है, आपने यदि नहीं किया है तो आप करके ज़रूर देखिएगा। आप सुबह और दोपहर शाम तीनों टाइम में यदि इसी पौधे के पत्ते तोड़ तोड़ करके खाएंगे तो तीनों बार अलग टेस्ट आएंगे इसके। ये देखिए हमारा घिया यहाँ पर तैयार हो गया है, जब पिछली वीडियो में दिखाया था तो बहुत छोटे से थे, तो इसे हम आज तोड़ लेंगे। ये देखिए यहाँ पर बैगन भी दो तीन लगे हुए हैं और पौधे तो खराब हो गए, उनको मैंने फिर से कटिंग कर दिया है, दिखाऊंगी अभी मैं आपको, इसको तोड़ लेंगे। अभी और देखिए यहाँ पे फल बन रहे हैं ये सब। बार बार देखिए इस तरह से कीड़े लग जाते हैं, जैसे पत्ते इस तरह से दिखने लग जाते हैं। देखिए इसमें अब ऊपर से पौधे के पत्ते तो सही होने लग गया है, देखिए यहाँ से पत्ते अच्छे हो गए हैं, लेकिन पहले के जो पत्ते थे इस तरह से हो गए थे। इस वाले पौधे में भी देखिए इस तरह से फूल वगैरह आ रहे हैं, जो फला हुआ था मैंने तोड़ लिया है उसे। ये देखिए यहाँ पर जुकिनी के पौधे यहाँ से टूट गए हैं, ये इस तरफ वेट ऊपर में ज़्यादा हो गया, इस वजह से यहाँ से मुड़ गए हैं। मैंने इस तरह से बांध करके सहारा दे दिया है ताकि यहाँ पे ज़्यादा भार ना पड़े। नीचे जो देखिए इसका जो जड़ के पास है जो है स्टेम, कितना पतला सा है, काफ़ी पतला सा है, और ऊपर इसका वेट, ऊपर साइड में बहुत इसका वेट हो गया है, भारी हो गया है और पत्ते भी हैवी हो गए हैं, ऊपर से थोड़ा सा मोटा हो गया है, इस वजह से इसे सहारा देना पड़ा है थोड़ा सा। अभी देखिए ये अभी तक तो ठीक है, मुझे लग रहा था ये पौधे सूख जाएंगे टूटने के बाद, पर मैंने सहारा दे दिया है तो ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या होता है। ये देखिए इसमें कलियां तो दिख रही है, पर आगे देखते हैं इसमें क्या होता नहीं होता। हमारे सारे गुलदाउदी में देखिए कलियां आ गई हैं, ये देखिए इस तरह से। जिनमें कुछ में अभी आ रही हैं, कुछ में आ गई हैं, ये देखिए इनमें अभी नहीं आई है, और यहाँ पर देखिए इसमें भी आई हुई है। ये देखिए कुछ यहाँ पर चाइनीज नींबू हमारे हैं जो पक गए हैं, तो हम इसे तोड़ लेंगे। ये देखिए ये वाला फूल हमेशा ही खिलते रहता है और बहुत ही अच्छा लगता है, और इसमें इसको बंदर भी नहीं छेड़ते क्योंकि इसमें होते हैं कांटे, तो काफ़ी सारे कांटे होते हैं तो इसको बंदर भी नहीं छेड़ते हैं। देखिए इसमें कितना सारा कांटा होता है, ये देखिए, तो इसको बंदर भी छेड़ते नहीं है, कुछ करते नहीं है, तो ये बहुत ही अच्छा से चलता रहता है पौधा।
ये देखिए यहाँ पर कश्मीरी मिर्च का पौधा है। अब ये बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और इसके पत्ते भी थोड़े से बड़े बड़े हो रहे हैं। तो देखिए इसका आगे कितना बड़ा होता है और कैसे होता है। तो अभी तो बहुत ही जल्दी बड़ा हो गया है ये। इस गमले में भी मैंने कुछ बचा हुआ जो बीज था वो डाल दिया था। तो ये देखिए इसमें भी कश्मीरी मिर्च के पौधे जो है इतने बड़े बड़े से हो गए हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च के पौधे लगाए थे, करीब 10 दिन हो गए हैं लगाए हुए, अब ये ठीक ठाक चल रहे हैं। एक पौधा यहाँ से देखिए ये सूख गया है, ये नहीं होगा लगता है, ये सब खराब हो गए, बाकी सब अच्छे से चल रहे हैं। एक ही खराब हुआ है, बाकी सब अच्छे से चल रहे हैं। बीच बीच में मैंने देखिए ये पालक के बीज डाले हुए थे तो ये भी निकल गया है पौधा। कुछ पौधे मैंने इसमें शिमला मिर्च के लगाए हुए थे तो ये भी ठीक ठाक चल रहे हैं, अच्छे हैं। और ये वाला मैंने किसी को देने के लिए रखा हुआ है। और इस वाले में मैंने, ये भी कूलर का टंकी है, ये वाला भी, दोनों ही कूलर का ही टंकी है। तो इसमें मैंने देखिए पालक के लगा रखे हैं और ये थोड़े से बड़े बड़े हो गए हैं और कुछ छोटे छोटे से रह गए। इधर कुछ पौधे लगे हुए थे इस वजह से छोटे छोटे से रह गए। ये देखिए यहाँ पर टमाटर लग रहे हैं और टमाटर बड़े होने लग गए हैं और यहाँ पर भी टमाटर लगे हुए हैं। और दूसरा वाला पौधा है जो इस वाले तोरी वाले में उगाया था, इसमें भी टमाटर देखिए लगे हुए हैं, ये देखिए। और इसमें फूल वगैरह भी अभी आ रहे हैं, बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं इसमें। और क्योंकि इसमें बहुत सारा किचन वेस्ट वगैरह डाला हुआ था इस वाले गमले में, तो इनको अभी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ रही है और अच्छे से बढ़ रहे हैं। ये देखिए कई सारी तोरी वगैरह लग रही है। आज हमारे गार्डन में बंदर आ गए थे, कई सारे बंदर आ गए थे। कुछ तुलसी उलसी जी के पौधा जो है उनको उखाड़ दिया है। और इस तरह से देखिए छोटे छोटे से अब तोरी होने लग गई है। बंदर अंदर आने की कोशिश कर रहे थे पर अंदर नहीं आ पाए क्योंकि इसमें गेट लगा हुआ था और जो भी कहीं पे खुला था मैंने अच्छे से बंद कर दिया था। तो इस वजह से गुस्से में बाहर जो पौधे तुलसी जी के थे, कुछ सदाबहार के थे, उनको उखाड़ दिया था, उखाड़ करके गमले से बाहर कर दिया था। इस वाले पौधे में भी देखिए सेम लगने लग गया है, ये देखिए कुछ बहुत ही जल्दी ये तैयार भी हो जाएंगे, ये देखिए। और फूल वगैरह भी अच्छे से आ रहे हैं, ये देखिए फूल और कलियां भी आ रही है। ये अक्सर हाँ फलते रहते हैं और फूल होते रहते हैं। कुछ करेले भी लग रहे हैं, देखिए यहाँ पर करेले लगे हुए हैं और देखिए यहाँ भी लगे हुए हैं करेले, ये देखिए पतले से हैं। इस तरह से फला हुआ देख करके बंदर का मन ललचाता रहता है और वो तोड़ फोड़ करने की कोशिश करते हैं। और जब अंदर नहीं आ पाते हैं तो कुछ गमले तोड़ देते हैं, कुछ पौधे उखाड़ देते हैं। ये देखिए यहाँ भी एक करेला है छोटा सा, भी ये छोटा है। ये वाली देखिए घिया काट लेते हैं क्योंकि बंदर हमारा जो है ना आकर के फिर से ये उद्यम मचाएगा। तो एक तो तोड़ी लेते हैं अभी, ये भी अभी बड़ा होता, छोटा है। और अभी एक दो और दो तीन पड़े हुए हैं उस तरफ भी है तो उनको वही छोड़ देते हैं। ये देखिए एक तो ये वाली है और इस तरफ है, मैंने तोड़ लिया था, ये देखिए यहाँ पर भी है, तो इन सबको अभी छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ बंदर का ही डर होता है काफ़ी। ये देखिए इस वाले में, बेल वाले में भी इस तरह से फलने लग गए हैं। ये सेम की फली है। ये देखिए नींबू के पौधे में भी, हमारे नींबू का जो पौधा है इसमें भी कलियां आना शुरू हो गया है और ये पुराने पत्ते देखिए इस तरह से पीले होकर के झड़ने लगे हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, ये आम बात होती है, सर्दियों के मौसम में इस तरह से होते हैं। ये पौधे अपने पत्ते, पुराने वाले पत्ते ये गिरा देते हैं, देखिए इस तरह से सारे पत्ते गिर जाएंगे। और ये देखिए यहाँ भी कलियाँ वगैरह आना शुरू हो गया है, तो कुछ समय में आपको फल वगैरह भी नजर आएगा। कुछ तो हैं, ये तो हमेशा ही होता रहता है, ये देखिए हर समय फूल और कलियां होते रहते हैं, फल भी होते हैं, तो आपको दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर और भी हैं, तो कई सारे फल लगे हुए हैं पहले से, हमेशा ही बारहों मास फलते हैं। कागजी नींबू है, बहुत ही अच्छी वैरायटी है ये, और इसी से मैंने ये वाला पौधा बनाया था जो जिसमें देखिए इस तरह से कलियाँ वगैरह आ रही है। ये देखिए नींबू है, यहाँ पर तोड़ लेंगे इसे, ये देखिए बिल्कुल पक करके पीले हो गए हैं, तो इस तरह से इनको तोड़ लेते हैं। देखिए इतना पक गया है कि इस तरह से छिल गया है और देखिए बहुत ही ज़्यादा जूस होता है इसमें। इसके आप अचार भी बना सकते हैं, वैसे खट्टे होते हैं ये, काफ़ी खट्टे होते हैं। तो इस तरह से इतना पका हुआ था तो मैंने ये तोड़ लिया है।
और ये देखिए छोटे छोटे से बहुत सारे इसमें लग रहे हैं। ये देखिए ये वाले पौधे बहुत कम मेंटेनेंस खोजते हैं, बिल्कुल अपने आप ही फलते रहते हैं। देखिए इस तरह से फल लगा हुआ है, हमेशा सालों भर ये फलते रहते हैं और देखिए फूल भी आते रहते हैं हमेशा ही। ये देखिए सर्दियों में इतना अच्छा पक जाता है कि पौधे देखने में भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से आप भी लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा और इसके अचार वगैरह कुछ भी बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है अचार इसके। देखिए कितनी छोटी छोटी सी कलियां हैं। तो यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।